चलिए, तो यहाँ पे हम पार्ट टू में आ चुके हैं। ये आपका पार्ट टू है और यहाँ पे हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन वैलेंसी चार्ज और कौन सा एटम मेटल बनेगा, नॉन मेटल बनेगा, कौन सा नोबल गैस बनेगा वो डिसाइड करेंगे, कौन एसिड बनेगा, कौन बेस बनेगा वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और फाइनली कंपाउंड कैसे बनेगा वो भी यहाँ पे इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं हम, क्योंकि हमने पार्ट वन में ऑलरेडी काफ़ी सारा डिसीजन करके रखा हुआ है। चलिए अब सबसे जो पहला एलिमेंट है हमारे पास, सबसे पहला एलिमेंट या पहले एटम है, उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन का सिंबल, सिंबल, ठीक है। सिंबल क्या है इसका? H, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। और मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास निकालना है तो आप उसको डबल कर सकते हो, बट आप हाइड्रोजन के केस में उसको डबल मत करो, 1 होता है इसका एटॉमिक मास भी। जब आप आइसोटॉप और आइसोबार पढ़ोगे तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि इसका एटॉमिक मास 1 क्यों है, ठीक है। इसको हम एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं और एटॉमिक मास को हम ए से दिखाते हैं, ठीक है। फिर बात रही इसका, जो हाइड्रोजन है आपका, उसका ईपीएन की बात करें, ईपीएन स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 1 है। प्रोटॉन कितना है इसके पास? 1 है। और न्यूट्रॉन कितना है इसके पास? 1 है, ठीक है। ये आप अभी थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये समझने के लिए अभी आप 1 1 1 लिख सकते हो, ठीक है। सब में ऐसा होगा नहीं, कभी किसी में न्यूट्रॉन मिस भी होता है, कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से एक दो ज़्यादा भी होता है, ठीक है। चलिए अब हम वो KLM वाली बात करेंगे, KLM और N वाली बात करें। K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 8 और इसमें 18, ओके। अब इसमें देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा? K वाली ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी कितनी है? 2 की कैपेसिटी है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? K में चला गया। बाकी सब में क्या रहेंगे? 0 इलेक्ट्रॉन। अभी इसका डायग्राम बनाए हम, तो ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट रहेगी, ये इसकी सेकंड ऑर्बिट रहेगी, ये इसकी थर्ड ऑर्बिट रहेगी, मैं हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आप समझ जाना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, बाकी किसी में इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है और ये इसकी के शेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ठीक है। कैपेसिटी 2 की होती है, 8 की होती है, 8 की होती है और 18 की होती है, ठीक है। तो अभी तो इसमें क्या हो गया कि फिलहाल हमारे पास तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वाले केस में, तो और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? फर्स्ट वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉ के बारे में बता देता हूँ, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये आप 11th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑर्बिट है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? अगर वो हाफ फिल्ड होगी,
अगर ये हाफ फील्ड है तो ओके गुड, अच्छी बात है। अगर ये कम्प्लीटली फील्ड है, अगर ये कंप्लीट फील्ड है तो अच्छी बात है, तो हैप्पी है वो ऑर्बिट। और थर्ड, अगर ये कंप्लीटली एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी है तो ये भी तो क्या है, ये ओके है। ठीक है, अब चलो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो ये तीनों कंडीशन लागू होती है। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या कर सकता है, मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे कैपेसिटी दो की है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो ये भी कैसा है, गुड है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर लॉस करते हो आप इलेक्ट्रॉन तो एटम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, और अगर गेन करेगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव चल जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अगर लॉस करोगे आप तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं, एटम में इक्वल होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हो तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आया, और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो अगर हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा। और हाइड्रोजन किसी के पास से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा, वो माइनस चार्ज लगा लेगा। उसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, जब वो प्लस गेन करेगा, लॉस करेगा अपना इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, केटायन बन जाएगा, और अगर गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। और जो केटायन होते हैं वो मेटल होते हैं, और जो एनायन होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल। और जो मेटल बनाते हैं वो बेस बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ये रिलेशन याद रखना, एनायन नॉन मेटल एसिड, केटायन मेटल बेस। ठीक है, लॉस किया तो केटायन, गेन किया तो एनायन। तो हाइड्रोजन है वो एसिडिक करेक्टर भी रखता है अपने पास और बेसिक करेक्टर भी रखता है, इसीलिए आज भी हाइड्रोजन को है ना पीरियडिक टेबल में अलग से रखा हुआ है। आज भी हाइड्रोजन को पीरियडिक टेबल में अलग से रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम बात करें H प्लस की, ठीक है, और अब बात करेंगे H माइनस की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन का चार्ज हो गया। ठीक है, और वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया है इसके पास, वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हम। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना आया उसका, एक। एटॉमिक मास कितना आया उसका, एक। ठीक है, वो क्या बनाएगा, केटायन भी बना सकता है H प्लस करके, और एनायन भी बना सकता है H माइनस करके। ठीक है, दोनों के अंदर चार्ज बन सकते हैं इसके प्लस वन, चार्ज बन सकता है इसका माइनस वन, और साथ में इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी,
यहाँ पे जो होगा ना वही उसकी वैलेंसी होती है, बस इसकी प्लस माइनस की साइन हटा दो आप, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, वन। वैलेंसी मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड नंबर पे कौन है, हीलियम है, हीलियम है, ठीक है। तो अब हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर जेड कितना है, दो, और एटॉमिक मास कितना है, टू का डबल कर दो आप, फोर हो गया। इसके पास हीलियम की बात करें तो हीलियम है वो, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे दो, प्रोटॉन होंगे दो और न्यूट्रॉन होंगे दो, ठीक है। चलिए अब इस इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं, के एल एम और एन, के में हो गए दो, आठ आठ और 18। अब चलिए यहाँ पे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, के में चले जाएंगे, और के क्या हो जाएगी, फुल्ली फिल्ड हो गई, मतलब हैप्पी हैप्पी हो गई, बाकी सब में ज़ीरो। मैं वहीं से डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे डायग्राम बार बार कॉपी ना ड्रॉ ना करना पड़े। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम आ चुकी है, और फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसमें सबसे पहला तो ये हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब में तो ज़ीरो ज़ीरो है। तो अच्छा देखो यहाँ पे के वाली सेल कैसी है, हैप्पी हैप्पी है, अब ना उसको कुछ लॉस करना है ना उसको कुछ गेन करना है, और जब ये कम्प्लीटली, कभी भी कोई ऑर्बिट कैसी हो जाती है, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है, कम्प्लीटली कंप्लीट फिल्ड हो जाती है ऑर्बिट, तो उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस, सॉरी उस ऑर्बिट को नहीं, उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, नोबल गैस, क्योंकि इसकी क्या है, उसकी ऑर्बिट कैसी होगी, कम्प्लीटली फिल्ड हो गई है, ठीक है, उसकी ऑर्बिट कैसी है, कम्प्लीटली फिल्ड हो गई है, इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, नोबल गैस। ये ना तो किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, ना ही कोई रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, बराबर, ये कैसे हैं, नोबल हैं, और जनरली गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लियर हुआ। अब इनका चार्ज की बात करें तो इनका चार्ज कैसा रहेगा, ज़ीरो। इनकी वैलेंसी भी कैसी रहेगी, ज़ीरो, ठीक है, ना ये एसिड बनाएंगे ना ये बेस बनाएंगे, ठीक है, ये किसी के साथ कुछ किसी भी चीज़ का कोई पार्टिसिपेशन करेंगे नहीं। चलिए लिथियम की बात करते हैं थर्ड नंबर पर, लिथियम की बात करें तो लिथियम का सिंबल है Li, उसका एटॉमिक नंबर है कितना, थ्री, उसका एटॉमिक मास कितना है, फोर। लिथियम की बात करें तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, थ्री, प्रोटॉन कितने हैं, थ्री, और न्यूट्रॉन कितने हैं, थ्री। तो आप देख सकते हो इसका ये, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, मास बनाते हैं, और यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, मैंने फोर लिखा था, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब वो के एल एम एल वाली बात करते हैं, के एल एम और एन, के की कैपेसिटी दो थी, आठ थी, आठ थी और 18 थी, राइट। अब इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें से पहले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और एक बचा जो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन थे तो पहले में तो दो आ गए और जो तीसरा बचा वो किस में चला गया, एल में चला गया, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, ओके। अब पहले दो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया।
अच्छा, अब इसके बारे में सोचो आप थोड़ा सा। अब इस ऑर्बिट को हैप्पी रहने के लिए, इस ऑर्बिट को हैप्पी रहने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ सकती है। या तो वो क्या करेगा, कंप्लीट फिल्ड करने के लिए, कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है, या कंप्लीट एम्प्टी करने के लिए कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो आप, लॉस कर दो, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करो तो 8 हो जाएंगे टोटल और वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, या कम्प्लीटली एम्प्टी मतलब पूरी ऑर्बिट को खाली करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास उसको लॉस कर दो, किसी को दे दो, छोड़ दो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी या 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी? सीधी बात है, कॉमन सा लॉजिक है, कहाँ 7 इलेक्ट्रॉन और कहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, और क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कौन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा एटम, लिथियम, तो लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए पॉजिटिव 1, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव बनते हैं वो क्या बनते हैं, केटायन बनते हैं। जो केटायन होते हैं वो मेटल बनते हैं और जो मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये बात समझ में आ गई होगी। अभी इसकी बात करें चार्ज और वैलेंसी की, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं इस सारी बातों को हम रिपीट करेंगे, प्रोसेस में थोड़ा आगे चलेंगे, हम जल्दी से थोड़ा स्पीड अप करेंगे। अब लिथियम की बात की, मैं सीधा आ रहा हूँ किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का सिंबल है N, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z7 है, तो एटॉमिक मास डबल करो कितना हो जाएगा, 14। नाइट्रोजन का सिंबल, इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7, जितना नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, उतने प्रोटॉन, उतने ही न्यूट्रॉन, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, एटॉमिक मास बनेगा। आप देख सकते हो 7 + 7 = 14 यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए अभी के एल एम वाली बात कर लेते हैं, KL, M और N, पहले में 2, दूसरे में 8, 8 और 18। चलिए अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले में तो 2 आ गए, कैपेसिटी 2 थी, 2 ही आ गए, 2 से आगे भर नहीं सकते हम। दूसरी वाली ऑर्बिट में 8 की कैपेसिटी है और इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास, 7 थे, तो उसमें से 2 तो हमने किस में दे दिए, के में दे दिए, तो अब बचे कितने, 5, ठीक है। तो ये 5 किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब वापस इसको हैप्पी रहने के लिए कंप्लीटली फिल्ड करो या कंप्लीटली एम्प्टी करो। कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, ठीक है, और कंप्लीटली एम्प्टी करने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लॉस करने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताओ 3 लेना इजी या 5 छोड़ना इजी? आप सीधा बताओगे सर कहाँ 5 और कहाँ 3, वो क्या करेगा, कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नाइट्रोजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ये क्या बन गया, एनायन बन गया। एनायन क्या होते हैं, एसिड बनाते हैं। ये क्या होते हैं एनायन, नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। बात करें इनकी चार्ज की, तो चार्ज आपका हो जाएगा -3
और वैलेंसी बनेगी 3। ठीक है, इसका डायग्राम देखें हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है। तो डायग्राम आप देख सकते हो, पहली वाले में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, पहले वाले में 2 आ गए और दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, दूसरे वाले में कितने आ गए, 5 आ गए। चलिए अब ये इस तरीके से आपने नाइट्रोजन का देख लिया। अब मैं आपको मैग्नीशियम का बना के दिखा रहा हूँ, जिसका नंबर है 12। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, एटॉमिक नंबर है 12, मास है 24, डबल कर देना है उसका। इसके EPN की बात करें, तो 12 आ जाएंगे, प्रोटॉन भी 12 आ जाएंगे और न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, KLM की बात कर लेते हैं, KLMN, कैपेसिटी 2 की, 8 की, 8 की और 18 की। तो 12 इलेक्ट्रॉन हैं अभी, पहले में हमने कितने दे दिए, पहले में आपने दे दिए उसको 2, कितने बचे, 10 बचे। 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन L ने ले लिए, कितने बचे, 2 बचे। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कैसा हो गया, हैप्पी हैप्पी हो गया, ये भी हैप्पी हैप्पी हो गया। अच्छा, अभी इसको भी हैप्पी करना पड़ेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ले लो, गेन कर लो, या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, लॉस कर दो। तो अब बताओ, 2 लॉस करना इजी होगा या 6 गेन करना होगा। सीधी बात बोलोगे, सर चा कहाँ पे 6 और कहाँ पे 2, ये तो क्या कर लेगा, लॉस कर लेगा। तो लॉस करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज लाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब +2, ये केटायन बनाएगा। केटायन बनाएगा, मेटल बनेगा और बेस बनाएगा। इसकी चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज +2, और वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसकी आ जाएगी 2। ठीक है, सेम। अभी बात करते हैं हम कैल्शियम की, जो 20 नंबर पे है, कैल्शियम 20 नंबर, एटॉमिक नंबर है कितना इसका, 20, और एटॉमिक मास कितना है इसका, 40। ठीक है, अब इसकी EPN की बात कर लेते हैं, कैल्शियम का Ca, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 20 होंगे, इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। ठीक है, KLM की बात करते हैं, KLMN, 2, 8, 8 और 18, पहले में कितने आ जाएंगे, 2, बाकी बचे कितने, 18 बचे, दूसरे में आ जाएंगे 8, 10 हो गए, तीसरे में आ जाएंगे 8, 18 हो गए, अभी 2 बचे, तो ये लास्ट वाले में आ जाएंगे। ठीक है, पहली ऑर्बिट हैप्पी हो गई, दूसरी ऑर्बिट हैप्पी हो गई और तीसरी ऑर्बिट भी क्या हो गई, हैप्पी हो गई। अब इसको हैप्पी करने के लिए 2 कंडीशन है, या तो 16 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए जाएं, या अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए जाएं। तो ये वाली कंडीशन सही रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, लॉस करोगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन बढ़ेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कैल्शियम क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज, बट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो +2 केटायन बना लेगा,
मेटल बन जाएगा, बेस बना लेगा। चार्ज की बात करें तो चार्ज आपका हो जाएगा +2, और वैलेंसी बना लेगा 2। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। कैल्शियम में डायग्राम बनाते हैं, तो पहले में कितने आ गए, 20 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में भी 8 आ जाएंगे, और चौथे में आपके आ जाएंगे 2। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन बढ़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम +2 केटन बना देगा। तो इस तरीके से आप वैलेंसी सबकी याद कर सकते हो। और यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो पार्ट 3 में मैं आपको कंपाउंड कैसे बनाना है और मॉलिकुलर मास कैसे निकालना है उसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप पार्ट 3 को इस वीडियो के बाद कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच।